हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, लूसेंट का लगातार साइंस का क्वेश्चन कराया जा रहा है और लूसेंट में लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और कृषि विज्ञान को मिलाकर कुल 2500+ क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं। इससे पहले फिजिक्स का लगभग 300 क्वेश्चन देख चुके हैं, अभी जो है कंप्यूटर साइंस का देखेंगे। तो कंप्यूटर साइंस का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर साइंस का आज पहला दिन होगा और इससे पहले जो है 300 क्वेश्चन फिजिक्स का कराया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और एक बार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसी दौरान आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है और बाद में कमेंट बॉक्स में करना है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए। हम लोग प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलिंगटन, जैक किल्बी, बिल गेट्स या चार्ल्स बैबेज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है और चार्ल्स बैबेज का जन्म जो हुआ था वो लंदन में हुआ था, लंदन यूके में है, और जो है ये 1791 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, ये आपको बताना है। हरमन होलोरिथ, चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पास्कल, वान न्यूमान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वान न्यूमान। वान न्यूमान का जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट का विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन है हरमन होलोरिथ, चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पास्कल, विलियम ब्रोस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। और चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? 1946 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या ह्यूमनवेयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का भौतिक बनावट जो कहलाएगी वो हार्डवेयर कहलाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप्स में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? आपको बताना है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या फर्मवेयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो नियम तथा कंप्यूटर के क्रियाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU, हार्ड डिस्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है स्मृति, कुंजी पटल, CPU, हार्ड डिस्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के जो मस्तिष्क को कहते हैं, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो CPU को कहते हैं। तो 8 नंबर का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग को बताना है कि निम्नलिखित में कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? CPU है, कीबोर्ड है, डिस्क या प्रिंटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो CPU होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रॉबर्ट नोयस, गार्डन मूर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर जो है माइक्रो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप्स का विकास का श्रेय किसने किया है? CV रमन, रॉबर्ट नायक ने, JS किल्बी ने, चार्ल्स बैबेज ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा JS किल्बी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड चिप्स IC चिप्स का जो विकास किया था वो JS किल्बी ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
संगणकों यानी कंप्यूटर्स में आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। तो कंप्यूटर में जो इंटीग्रेटेड चिप्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? सिलिकन के, लेड के, क्रोमियम के, सोने के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकन के। कंप्यूटर में जो आईसी चिप्स बना होता है वो सिलिकन का बना होता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है ये आपको बताना है। आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेटा ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर जो यहाँ पूछा है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर जो है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? बाइट, बिट, मीटर या मिलीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा बिट से। कंप्यूटर शब्द की लंबाई जो है बिट से मापते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 8 बिट मिलके जो है 1 बाइट बनाता है, 1 बाइट बनाता है, और 1024 बाइट मिलके 1 KB बनाता है, 1 किलोबाइट बनाता है, 1 KB बनाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट जो है मेगाबाइट किस में मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या का घनत्व, शक्ति व की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो कंप्यूटर का जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो मेगाबाइट में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो ये आपको बताना है बाइट, बिट, बग या घन मीटर। तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो यूनिट होता है वो बाइट होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 KB होता है, ये आपको बताना है 1 KB में कितना होता है? 1 लाख बाइट, 1024 बाइट्स जो है, 10,000 बाइट्स या 1,000 बाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024 बाइट्स। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है चिप, बाइट, बग, बिट। तो याद रखिएगा कंप्यूटर में जो अशुद्धि होता है उसे बग कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है यह आपको बताना है। लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो मेमोरी जो है स्टोरेज करता है, तो अर्थात यह स्टोरेज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का वो कौन सा भाग है जो आंकड़ों को बहुत अधिक तक भंडारण कर सकता है? चुंबकीय टेप, डिस्क, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चुंबकीय टेप और जो डिस्क होता है ये हार्डवेयर का भाग होता है और ये अधिक मात्रा तक भंडारण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सिम का फुल फॉर्म बताना है आपको, पूरा नाम, पूरा रूप बताना है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। गणना, मापन, विद्युत या लॉजिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, आपको बताना है सबसे तेज गति का प्रिंटर जो छापने का जो प्रोसेस होगा वो किसका सबसे अधिक होगा? लेजर प्रिंटर का, जेट प्रिंटर का, थर्मल प्रिंटर का, डेजी हिल प्रिंटर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर जो होता है लेजर जेट प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेजर प्रिंटर होता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों के संदर्भ में भिन्न है, तो आपको बताना है सुपर कंप्यूटर जो है अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार से भिन्न है? बहुत अधिक कीमत होता है, वातानुकूलित की समस्या होती है, परिकलन क्षमता, युवृत स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा परिकलन क्षमता युवृत स्मृति भंडारण, अर्थात इसका क्षमता और जो है इसका भंडारण जो है ये अन्य कंप्यूटर जो है साधारण कंप्यूटर से बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है कि मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति की सिस्टम का प्रयोग करते हैं? बाइनरी,
अंक पद्धति का, दशमलव अंक पद्धति का, अनुरूप गणना पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी अंक पद्धति। कंप्यूटर जो है 01 भाषा में ही समझता है और इसी 01 को बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो कंप्यूटर में जो सारी क्रिया होती है वो बाइनरी नंबर पे ही होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है ये आपको बताना है। बेसिक, कोबोल, फोटोन, पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोन जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है। और बेसिक जो है ये 1960 में डेवलप किया गया था और ये लैंग्वेज सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन अभी यह पावरफुल लैंग्वेज हो चुका है और इसमें एडवांस प्रोग्राम भी इसमें लिखते हैं बेसिक में। और कोबोल जो होता है ये व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग होता है। कोबोल भाषा का प्रयोग व्यावसायिक कार्य के लिए करते हैं। और पास्कल जो है, पास्कल ये बहुत पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये प्रोग्राम लिखने के लिए सर्वप्रथम विकसित किया गया था पास्कल लैंग्वेज। और ये जो है पास्कल प्रोग्राम सिखाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है एमबी का प्रयोग किस में किया जाता है। मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो एमबी का जो प्रयोग करते हैं वो मेगाबाइट्स के लिए। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट्स। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो जैसा कि अभी बताया, कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है वह व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, कोबोल भाषा व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव है, आपको बताना पेन ड्राइव क्या है। एक स्थिर सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, द्वितीय भंडारण एकक, एक चुंबकीय भंडारण एकक, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हटाए जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो जो है पेन ड्राइव जो होता है इसमें आप हटा भी सकते हैं और ये सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में स्टोरेज कुछ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल या बेसिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है ये लैंग्वेज और प्रोग्राम लिखने के लिए सर्वप्रथम विकसित किया गया था और जो है ये प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित किया गया था ये। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज भर बस इतना ही था, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और पहला काम, आपको 30 में से कितने नंबर आए वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और लाइक करना ही है, और दोस्तों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप कोई सुझाव वगैरह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन कर दीजिए।